देखो ये कॉम्पिटिशन, ये बैटल कितनी मजेदार होने वाली है। कौन बनेगा, किस पे भारी देगा टक्कर, कौन करारी? आखिरी लिखित इस मैच का रिजल्ट पलट गया। गलती ना करना दोबारा। भाई सभी दर्शकों के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच मुजफ्फरनगर वर्सेस दोनों ही टीमें बहुत अभी तक उनका प्रदर्शन इनका रहा है यहाँ पर, और शामली की तरफ से 11 नंबर दर्शक ये रेड लेकर आए हैं, देखना होगा। और बहुत ही आसानी से और दो नंबर दर्शी मुजफ्फरनगर की तरफ से बहुत ही शानदार रेडर, और ये बहुत आगे जाकर हाथ डालने का प्रयास शामली की तरफ से, ये रेड शामली की तरफ से दो नंबर दर्शी देखना होगा। नंबर ले पाते हैं नहीं, लेकिन बहुत ही आसानी से नंबर दे दिया मुजफ्फरनगर शामली के रेडर ने, और मुजफ्फरनगर के हैं 5 नंबर जर्सी रेडर, बहुत ही आगे निकल कर हाथ डालने का प्रयास किसने सफल शामली के 7 नंबर मैम त्यागी जी इनके जो फैन हैं, बहुत ही आसानी से पकड़ लिया नगर के बहुत ही उम्दा रेडर जर्सी नंबर 4, और सुपर टैकल का मौका है शामली के पास इस बार, और ये सुपर टैकल 2 अंक देने हैं शामली के खिलाड़ियों ने, और बहुत ही अच्छा प्रयास था शामली का था। राम राम जी, और शामली के रेडर 11 नंबर दर्शी, और बहुत ही अच्छा बॉल पर देखना होगा बॉल का नीले, और ये सुपर रेड शामली के रेडर ने निर्धारित किए हैं रैकी साहब ने, जो कि सबको मानने हैं, और 5 नंबर दर्शी मुजफ्फरनगर को सारों से टच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक असफल हो और लगता है खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। जर्सी नंबर 2 शामली हमारे बीच बहुत ही अच्छे कबड्डी प्लेयर जो बल्ला गांव के आ चुके हैं श्री विनीत त्यागी जी, उनका स्वागत है बल्ला के इस ग्राउंड पर। जर्सी नंबर 2 बहुत ही अच्छा बहुत देखने को मिला है, आराम से टच कर लिया, ये रेड शैंड की तरफ से चल रही है इधर, मुजफ्फरनगर की रेड दोनों टीमें लगभग बराबर चल रही हैं, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों की मुजाब तक रहा। 11 नंबर जर्सी शामली की तरफ से थर्ड रेड, रेफरी साहब का इशारा हुआ है शामली की तरफ से थर्ड रेड है, बहुत अच्छा प्रयास शामली का नगर का, लेकिन असफल हो सर यहां पर एक अंक जोड़ने में कामयाब रहे शामली के, और बहुत बढ़िया और ये अंक मुजफ्फरनगर के साथ इनके भाई बहुत ही उमदा प्रदर्शन कर रहे हैं जर्सी नंबर 2 मुजफ्फरनगर के,
अभी तक इन्हें पकड़ नहीं पाए हैं शामली के डिफेंडर। ओहो, शामली की तरफ से रेड जर्सी नंबर 2। बहुत ही सुंदर मैच आप सभी दर्शकों के बीच में चल रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी एक सीमा बनाए रखे और इस मैच का भरपूर लुत्फ उठाए। जर्सी नंबर 4 मुजफ्फरनगर की तरफ से और बड़ा प्रयास किया था रेडर ने, लेकिन असफल हुए। चार खिलाड़ी मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के ग्राउंड के अंदर, तो बहुत सी से जाकर टच करने का प्रयास और भाई कमेटी के सदस्य पर्चा आगे से हट गए। भाई हरिओम प्रधान जी अभी अभी हमारे बीच, हरिओम प्रधान जी भाई जडी बहुत बहुत थर्ड रेड है भाई साहब, थर्ड रेड है भाई, थर्ड रेड रेफरी साहब का इशारा है। और हमारे बीच भाई जडी के प्रधान जी हरिओम त्यागी जी इनका हर पैसे सारे और अंकुर जी से निवेदन है कि फालतू की नेतागिरी ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। और अंकुर यहाँ पर नेतागिरी ना दिखाए भाई, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है। फैमिली की तरफ से और हमारे कोच कबड्डी चैंपियन बहुत आगे जाकर टच करने का प्रयास रेफरी साहब का मेन में देखना होगा कि खाली आप गए हो। बहुत ही उनका प्ले मुजफ्फरनगर के बहुत ही टॉप क्लास की रेड लगाते हैं। हाँ, और संतोष काला और नंबर 11 और हमारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति प्रयास कर रही है दादाजी ने। और हमारे देश सभी थर्ड रेड का इशारा रेफरी साहब का फैमिली की तरफ से, ये रेड थर्ड रेड का इशारा है। या तो नंबर लेके आओ या देखे थे ग्यारह नंबर आगे जाके टच करने का प्रयास, लेकिन डिफेंस थर्ड रेड मुजफ्फरनगर की तरफ से, ये भी थर्ड रेड है भाई मुजफ्फरनगर की तरफ से। और बहुत ही उमदा रेडर खेल रहे हैं मुजफ्फरनगर के, लेकिन बहुत अच्छी सलाम यहां पर लगा फैमिली की तरफ से ये रेड देखना होगा। और इस बार मद्दापात जर्सी बोनस ऑन है शामली की तरफ से, बोनस भी लगा सकते हैं टच भी कर सकते हैं, लेकिन शामली की तरफ से रेड जर्सी नंबर 2 भाई खिलाड़ी मौजूद है मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में, टीम बाहर
और हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम के ये रेड है शामली की तरफ से। प्रयास करते और बहुत ऊपर निकल गए थे, लेकिन असफल हो सकते नहीं। मुजफ्फरनगर के डिफेंडर ने दिखाया है उदार सिंह को अपना डिफेंस, और जर्सी नंबर के बाद देखना होता भाई। बहुत ही अच्छी रेड लगाते हैं जर्सी नंबर का शामली की तरफ से है ये रेड। दोनों टीमों के खिलाड़ी भी बराबर हैं, अंक तालिका शायद कम से हो। बहुत ही अच्छा प्रयास, एकदम बहुत ही रेड साबित हुई मुजफ्फरनगर के लिए। थर्ड रेड और शामली की तरफ से रेड आठ नंबर जर्सी। और सुपर टैकल रेड है शामली की तरफ से जर्सी नंबर चार रेडर। देखना होगा कि शामली की टीम टैकल कर पाती है या नहीं। लेकिन थर्ड रेड का इशारा कैप्टन साहब का शामली की तरफ से, और ये थर्ड रेड है भाई शामली की। देखना होगा अंपायर साहब का निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय दे रहे बिल्कुल। लाइन क्रॉस कर गया था उनका बैंड रेडर का, और जर्सी नंबर का मुजफ्फरनगर की तरफ से रेड का निवेदन है कि भाई रेफरी साहब से बहस ना करें, निर्णय जिसके भी हक में हो। रेफरी साहब का निर्णय का फैल होगा तो रेफरी साहब वार्निंग दे प्लेयर को। थर्ड रेड का इशारा रेफरी साहब का मुजफ्फरनगर की तरफ से। और दोनों ही टीमें बहुत संघर्ष कर रही हैं इस मैच के लिए फाइनल मैच है, और आसानी से और हिटिंग आ रही है कि दाबो दाबो आप खरीद बना दे। और बहुत ही पीछे जाकर टैच करने का प्रयास भाई हमारे अंकुर जी भी। जर्सी नंबर सात गोरेज बोनस ओम दो माला देखना होगा, और पार से टच करने का प्रयास था जर्सी नंबर सात। चार खिलाड़ी मैदान पर शामली के, चार खिलाड़ियों में नंबर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो रोकना पड़ा शामली की तरफ से रोड जर्सी नंबर 11 थर्ड रेड का इशारा रेफरी साहब का मुजफ्फरनगर की तरफ से जर्सी नंबर 4। और बहुत ही ऊपर जाकर टच करने का प्रयास, बहुत ही आसानी से टच कर लिया, बाहर कर दिए
स्थान देखे दिखाएंगे। थर्ड वेट का सारा रेफरी साहब का शामली की तरफ से शामली के रेडर कामयाब रहे। बहुत पुराने खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ियों का नाम अभी यहाँ बीच में आया। बरला की तरफ से जो पूर्व में टोलू क्लब बरला शामली की तरफ से रेड दर्शन नंबर दो। मैदान पूरा सचासत भरा हुआ, दर्शक पूरी निगाह से चाह रखी है भाई। स्टेट चैंपियनशिप का जूनियर नंबर दो बहुत ही फुर्ती से खेलते हैं, बहुत ही सफल हुए हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे लगता है अधिक नंबर उन्होंने निकाले हुए रेड को। नंबर द्वारा मुजफ्फरनगर की तरफ से रेफरी साहब का इशारा और बहुत ऊपर जाकर और आठ भी हो सकते थे लेकिन बच गए और शामली की तरफ से थर्ड वेव रेफरी साहब का इशारा हुआ है थर्ड वेव का और हिटिंग भी जबरदस्त चल रही है। दर्शक पूरा लुक उठा रहे हैं मैच का। मैदान पूरा लपल भरा हुआ है, बाहर निकाल दिया है भाई। मुजफ्फरनगर की तरफ से रेड, हाँ पिलो पैदा बंद कर रहे हैं और दर्शन नंबर चार पांच मिनट से इस मैच की प्रयास के बाद रेडर असफल हुए। पांच मिनट पहले का स्कोर बोलिए रेफरी साहब। शामली 16 मुजफ्फरनगर, 16 मुजफ्फरनगर 15 शामली, 16 मुजफ्फरनगर 15 शामली। बहुत ही नजदीकी मैच एक दूसरे को अपनी जीत दर्ज करने के लिए बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच पहुंचता हुआ। 4 मिनट से ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति के मोड़ पर पहुंच गया है। दर्शक सभी प्रयास लगाए बैठे हैं अपनी अपनी टीमों पर कि ये रेडर बहुत ही सफल रेडर है इस टूर्नामेंट के। ये सीनियर टीम है पुरुष वर्ग में जिला कबड्डी चैंपियनशिप मुजफ्फरनगर की। 100 भाई दोनों टीमों पर सत्य का भाव बहुत है, बाजार बहुत गर्व और भाई उसी से बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया भाई। थर्ड रेड का इशारा रेफरी साहब का मुजफ्फरनगर की तरफ से भाई शामली पैसा वसूल मैच चल रहा है। भाई नेता जी ने कहा है पैसे वसूल कर दिए इस मैच में, अब देखना होगा कितना पैसा वसूल होता है, पूरा होता है या कम। फाइनल मैच आप लोगों के बीच चलता हुआ ये रेड है मुझे समझकर की तरफ से दर्शन नंबर का 2 मिनट से
मुजफ्फरनगर 17। स्कोर सही है क्या? बात ठीक है, स्कोर 17 मुजफ्फरनगर 16 शामली। मात्र एक पॉइंट का अंतर देखना होगा। शामली के रेडर असफल हुए, एक अंक और अर्जित कर लिया। फरनगर की तरफ से 10 नंबर का एक मिनट से कह गई है, एक मात्र दो अंकों का अंतर हुआ दोनों टीमों के बीच। देखना होगा कि किस तरह देखना होगा। शामली की तरफ से ये रोड है 10 नंबर 8 और मुजफ्फरनगर की टीम ऊपर देखने को मिला। एक अंक और अर्जित हुआ। थर्ड रेड मुजफ्फरनगर की तरफ से, एक सेकेंड का गेम भी ऑन है। थर्ड रेड है मुजफ्फरनगर की तरफ से, सेकेंड टैकल भी ऑन है। बॉल बराबर भी आ सकते हैं। तीन अंतर तीन अंकों के अंतर है फिलहाल। लग रहा है टाइम पास कर रहे हैं रेडर मुजफ्फरनगर के। देखना होगा